guys, what's up? Welcome back to my channel. आज के वीडियो में क्या करेंगे हम? Q&A. हमेशा इंट्रो ऐसे होता है. मैं इंट्रो शुरू करती हूँ, वेलकम टू माय चैनल, देन आई एम लाइक आज हम क्या करेंगे. ये तो मेरे साथ करती है, हमेशा करती है. तुम्हारे साथ ही होता है. हाँ, भूल जाती है मुझे देख के. आज के वीडियो में हम करने वाले हैं Q&A. काफी टाइम आ रहा है, एक साल बाद कर रही हूँ मैं Q&A. सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. एक क्वेश्चन तो कॉमन रहता है सारे वीडियोज में, विच इज एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते हो एंड ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस. तो वो तो अभी स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ मैं कि मैं प्रीमियर प्रो यूज करती हूँ. वो लिख लो, कल UPSC के एग्जाम में आ जाएगा तो काम आएगा. उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चन पता है क्या थे? नहीं, एनर्जी दिखाओ. क्या थे गाइस नेक्स्ट क्वेश्चंस? उसके बाद जो मोस्ट सेकंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कि हाउ डिड यू मीट प्रणव भैया. तो मतलब आई विल नॉट से भैया, मतलब लोग कमेंट्स में लिख रहे थे प्रणव भैया. तुम्हारे नाम की तो लोगों ने कमेंट्स में इतनी धज्जियां उड़ाई. ये क्या है वैसे, मैं भी देख रहा हूं परवन क्या है. हाउ यू मीट परवन? हां कौन है? How you meet Parvan bhaiya? What's your future plan with Pranav? Ma'am, आप प्रणव सर से कैसे मिले? जानबूझ कैसे? नहीं, first meet with Pranav. हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती. और दिखाओ, how you meet Pranav? हद है यार, मुझे लगा सिर्फ मिथपैट के साथ होता है. माइपैड बोला रे मेरे को. नहीं, तुम्हारे नाम की तो बहुत धज्जी उड़ाई. Are you boo? ये क्या बात करता है यार? सो हम एक्चुअली कैसे मिले थे? तो हम इनिशियली आई थिंक नहीं, एक्चुअली 6 साल पहले मिले थे 2017 में. हाँ, थ्रू अ म्यूचुअल फ्रेंड. एंड फिर हंसने की क्या बात है इसमें, हंसी आ गई. तो फिर हम मिले थे. फिर अरे तुम भी तो कुछ बोलोगे कि बस हाँ करते रहोगे. मतलब तुझे तू एक मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करता. नहीं तुम बोलो, अरे मैं बोलती हूँ. हाँ. तो हम मिले थे, अब मिले थे हम 2017 में. कथा बता रही हूँ. 1 hour later हम मिले थे. कट सॉरी. फिर उसके बाद 2018 और 2019 हम फ्रेंड्स थे. तो हम 3 साल से फ्रेंड्स थे. हाँ. चिल विल कर रहे थे और ऐसा चिल कर रहे थे. अरे त्यार मेरे को नहीं आता तुम. तो हम मिले थे एज अ फ्रेंड थ्रू अ फ्रेंड एक पार्टी में. हाँ. उसके बाद हम नॉर्मल ऐसे बात करते थे. हाँ. और उस पार्टी में भी मैं अपनी कंपनी के बारे में बता रहा था. नहीं, तुम्हारी कंपनी तब जस्ट स्टार्ट हुई थी. ओपरा आई थिंक जस्ट 10-15 डेज पहले. हाँ, हुई तो इसको. हाँ. मैं बता रहा था, मुझे लगता था कि ये ऐसे सी नॉर्मल एवरेज दिल्ली की लड़की है, तो मैं इसको ऐसे इतना भाव नहीं देता था. फिर एक दिन हम लोग बाहर कॉफी पी रहे थे सीसीडी पे, एंड देन ये कोई कॉल कर रही थी और इसको मैंने कॉल करते हुए सुन लिया. ये किसी क्लाइंट के साथ बात कर रही थी कि इंटर्नशिप या कहीं. नहीं, तब मैं कॉलेज में थी. तो मैं कॉलेज में वो होता है ना फेस्ट के लिए स्पॉन्सरशिप वगैरह लाना होता है, तो मैं उसका कॉल कर रही थी. हाँ, तो मैं कॉल सुन के काफी इंप्रेस हो गया कि वाह क्या लड़की है, मस्त है ये तो, स्मार्ट है. मुझे लगा CCA है. मेरे को तब तक समझ नहीं आता था ये क्या करता है. तो जब मैं इनिशियली लाइक मेरे POV से जब मैं मिली थी, तो मेरे को लगता था ये कुछ नहीं करता है, क्योंकि इसके ना हमेशा पार्टी वार्टी की स्टोरीज होती थी. तो मेरे को लगता था ऐसे ही चिल कर रहा है ये लाइफ में, पार्टी वार्टी कर रहा होता था बस हमेशा. तो मेरे को लगता था ऐसे ही ये कुछ नहीं करता. फिर जब उसने मेरे को कंपनी के बारे में और समझाया, तो मेरे को समझ आया कि वो ये तो थोड़ा स्मार्ट बंदा है. 3 साल के बाद हम लोग की फ्रेंडशिप इतनी अच्छी हो गई कि हमें पता भी नहीं चला कि उसके बाद. हाँ, फिर हम डेट करने लग गए. हमने डेट करना स्टार्ट किया 2020 के स्टार्टिंग में. 2020 में हमने डेट करना स्टार्ट किया. एंड फिर क्या बोलते हैं, कट फॉरवर्ड. नहीं, कट फॉरवर्ड टू क्या बोलते हैं, हाँ कट टू. हाँ, कट टू. तो कट टू 2022. तो हाँ, मतलब बढ़िया. ऐसे मिले थे. हाँ, तो बुक लिख दो, इस पे नॉवेल है. ऐसे लोग पूछ रहे थे बहुत क्वेश्चंस थे इस बारे में. तो आई होप यू
guys are now happy about it. The next question is, tell 5 good and bad things about each other. So 5 good things and bad things. I think bad things से शुरुआत करते हैं ताकि good things में मजा आएगा. Bad things, of course आपको पता है guys ये क्या है. अरे चुप रहो, कुछ इतना बड़ा नहीं है, ऐसे बोलते रहते हैं. कहाँ से बड़ा, इतना बड़ा थोड़ी है forehead, ये तो normal होता है. तुम्हारा भी नहीं है. हाँ यहाँ पे theater बच्चे movie देख सकते हैं. तुम चुप रहो, तुम इतना कुछ बड़ा नहीं है, छोटा है. इतना कितना पेरेंट्स बोलते थे ना, हम नदी पार करके जाते थे, वो तेरे फोरहेड पार करते थे. मैं बताती हूँ, ठीक है. टेल 5 बैड थिंग्स. तो आई एम कुछ अच्छा है ही नहीं, तो मैं तुम बता रही हूँ तुम्हें. नेक्स्ट क्वेश्चन तो कमाल करते हैं लड़कियां भी आजकल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Are you gonna do any more surprise for Techno for 30 million? So, बता दे. अरे बता दो यार. बता देते हैं. बता देते हैं. ठीक है, तो हमने कुछ एक्चुअली प्लान किया हुआ है. Oh. बट वो काफी बड़ा है, मतलब लाइक वो काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है. इसको करने के लिए हमें बहुत परमिशंस और बहुत टाइम, बहुत ही ज्यादा प्लानिंग की जरूरत है. तो हमने ट्राई किया था कि वो जब उनका 30 मिलियन कम्प्लीट हो टाइम के पहले हम शूट कर लें एंड ऑल, बट वो हो नहीं पा रहा है वो, क्योंकि उसमें इतनी चीजें इन्वॉल्व है. बट अभी भी हम ट्राई कर रहे हैं. सो होपफुली 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में वो वीडियो आ जाना चाहिए. ऐसा ना जो भी होगा कि वो बहुत ही क्रेजी होगा. जो भी होगा वो बहुत ही क्रेजी. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. Tell us briefly about your career. Career है ना, तो वो तो मेरे थार पे लगा हुआ है. नहीं, career मेरा तो जियो है. Smart. वो fleet के पास जो गाड़ी है वो Harrier है. मेरे पास जियो है. अच्छा. जियो 5G नहीं है, 4G है. ठीक है. और इसमें मैं 499 का पर मंथ का डेटा पैक भरवाती हूँ. समझ गया. तो पर डे का 1.5 GB डेटा आ जाता है, तो बढ़िया रहता है. तो ठीक है, थैंक यू. स्मार्ट कंटेंट. हाउ डज करंट अफेक्टेड इफ वोल्टेज इज इंक्रीज्ड 4 times? प्लीज आंसर, कल मेरा एग्जाम है. मैं नहीं बताऊंगा. नहीं. अरे यार 4 times इंक्रीज हो जाएगा ना करंट. हाँ, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी तो 4 बार. मेरे को क्या पता, इतना स्मार्ट होती मैं तो यूट्यूब चैनल थोड़ी चला रही होती. पूरी यूट्यूब कम्युनिटी को एक बार मैं रोस्ट करता हूँ. कभी स्कूल में फेल हुए हो? हाँ. तुम हुए हो? नहीं, मैं हुई हूँ. मेरा नाम बोलने में फेल हुई थी. गले में खिच खिच विक्स की गोली लो. सिंगिंग में फेल हुई थी. ओ वाह. अरे चुप हो यार, तुम अनवाइज करती हो. कभी स्कूल में फेल. हाँ, मेरा ना एक्चुअली मैथ्स बहुत खराब था. तो मैं 11th 12th में मैथ्स में काफी बार फेल हुई हूँ. 2+2 4 ये सब मेरे को आता है. उसमें क्या इंटीग्रेशन उतना नहीं आता. इतना तो ब्रांड का इंटीग्रेशन तो सब आता है तुम्हें. अगर आपको भी हमारे सुनेरिस चाहिए तो यूज करिए ये प्रोजेक्ट. Why you look like a chapri? हाँ मैं छपरी. I don't know भाई, भगवान का देन है. अब जैसे लगते हैं ऐसे ही लगते हैं. अब छपरी लगे, टपरी लगे, जो भी लगे वैसे ही है. Next question. Your first YouTube friend. मेरा first YouTube friend कौन था? कौन था? मैं थी, तुम थी, कौन था? था, टेक्निकली यही था क्योंकि हाँ तुम ही थे. और सेकंड, बट उस समय मैं यूट्यूबर नहीं थी. मेरे यूट्यूबर बनने के बाद मेरा फर्स्ट यूट्यूब फ्रेंड उज्जवल था, क्योंकि सबसे पहले मैं उसको मिली थी बिलबोर्ड. स्लेट पॉइंट मिडपैट से नहीं मिले थे? नहीं, स्लेट पॉइंट मिडपैट को मैं नेक्स्ट डे मिली थी, जब सब दिल्ली आए थे और हमने बिलबोर्ड वाला वीडियो किया था. उसके नेक्स्ट डे मिली थी मिडपैट और स्लेट पॉइंट से. बट मैं गौतमी को पहले से जानती थी. हाँ, मतलब पता नहीं, इसका देखो 3 तरीके का आंसर हो सकता है. ठीक है, ऑप्शन नहीं. जब मैं यूट्यूबर नहीं थी तो फर्स्ट यूट्यूब फ्रेंड प्रणव था. जब मैं यूट्यूबर बन गई थी तो फर्स्ट इन पर्सन यूट्यूब फ्रेंड उज्जवल था. पर जब ऑप्शन थ्री, जब मैं यूट्यूबर बन गई थी, बट मेरा ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब फ्रेंड गौतमी थी. थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग. क्या है, आप इतने क्यूट कैसे हो और वॉइस माशाल्लाह, बट सेंस ऑफ ह्यूमर वो कंफ्यूज है कि तारीफ करे कि बुराई करे. पहले तुम समझ लो. इतना गंदा है कि उसके उसके बोलने के शब्द नहीं है भाई. वो चुप हो गया, फुल स्टॉप. हाँ तो वही तो बोल रही हूँ, वो कंफ्यूज है. पहले स्टार्टिंग में तारीफ करे, आप इतने क्यूट हो, फिर बोल रहे हैं सेंस ऑफ ह्यूमर डोंट अंडरस्टैंड. आप दिखने विखने में ठीक हो बट आप ह्यूमर छोड़ो. ठीक है, अभी भी जैसे हम ट्राई कर रहे हैं ना, मत करो.
ये रहने दो तन्मय भट्ट। I'm very very sorry संदीप वर्मा। What's your parents' reaction after? They got to know you are engaged। हाँ अरे भाई इतना इतने मॉडर्न नहीं है। इतने मॉडर्न नहीं है कि ऐसा करके फिर बताएंगे मम्मी ऐसा हो गया, फ्लाइंग चप्पल आएगी सिंगापुर से। उनको पता था पहले से, उनको आई थिंक एक साल पहले से पता था। कि हम लोग डेट कर रहे हो पता था, बट फिर ये जो मेरा प्रपोजल था वो इसके पेरेंट्स को ही पता था, मेरे पेरेंट्स को ही पता था, बट इसको नहीं पता था। सरप्राइज। यस। मानसी गोबर। सिमिलर थॉट्स हैं। तू मेरे साइड पे हो कि उसके साइड पे हो? मैं तो राइट साइड पे हूँ, लेफ्ट साइड। अरे छी गंदे जोक्स मारे, बहुत गंदे। तुम मिटपैट के साथ रह रहे ना भाई, जोक्स दिन पर दिन गंदे होते जा रहे हैं। पाटनकर एंड पनपालिया आर बेस्ट फ्रेंड्स। तू आधा रख ले, मैं आधा रख लूंगा, टेंशन मत ले। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? व्हाट डू आई डू फॉर अ लिविंग? इनको यही नहीं पता है, इतना बड़ा चैनल देख रहे हैं बट इनको पता ही नहीं है कि इतना छोटा चैनल देख रहे हैं तब भी पता नहीं। उज्ज्वल इसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहा है गाइस, इतना बड़ा चैनल। अरे यार तुम पता नहीं क्या कर रहे हो, ऐसा लग ही रहा है तुम मेरे साइड पे हो, तुम लोगों के साथ मिलके मुझे ही रोस्ट कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मैं बोलूंगी मेरा चैनल है, बट अब तो 50-50 हो गया। ऐसा कोई 50-50 चैनल मेरा है? आधे सब्सक्राइबर्स आप मेरे हो। नहीं प्रणव वाला चैनल आधा मेरा, मैक्स प्ले वाला चैनल पूरा मेरा। दिस इज बिजनेस। ओके थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतने क्वेश्चंस इनफ थे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार, तुम लोग 7 लाख तो पहुंचाओ कम से कम सब्सक्राइबर, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो सब सब्सक्राइब कर दो। हाँ सबको पानी पूरी भगवान की बहुत कृपा होगी, सब्सक्राइब कर देना। जय माता दी। सब्सक्राइब।